should have a rice pudding. It's mine.
काम पर छोड़कर तुम्हारी दवाई लाता हूँ। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। वो औरत जबरदस्ती मेरी मां मर गई थी, तो मैंने उसे कहा मेरी मां मर गई। ठीक है, समझ गए। याद मत करो, जाकर तैयार हो जाओ। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और तुम्हें जीसू के रेस्टोरेंट में छोड़ आता हूँ। मैं अकेले चले जाऊंगा, मुझे सब पता है, लेकिन मुझे भी मार्केट जाना है। तुम आज हॉस्पिटल नहीं जाओगे क्या? नहीं, आज मैं छुट्टी ले रहा हूँ। थोड़ा रिमाइंड करो। हो सकता है अब पेशेंट वहम में जीना बंद करके सच को मान ले। आप सब लोग उस पर नजर रखकर मुझे बताना कि होता क्या है। यस सर। सर कुछ कहना था? मेरे ख्याल से आपको मिस कोमुन योंग से भी बात कर लेनी चाहिए। पहले ये पता करो कि उसने पेशेंट से कहा क्या था। उसने ऐसा कुछ कहा होगा कि तुम्हारी बेटी मर गई है और सदमे की वजह से वो बेहोश हो गई। लेकिन मिस को ये कैसे पता होगा? शायद मिस्टर मून ने बताया होगा, दोनों काफी करीब है। मुझे तो ऐसा लगता है ऐसा कुछ नहीं है। सब जानते हैं वो किसी को पेशेंट की पर्सनल बातें नहीं बताता। जो भी हो, जब से मिस को हॉस्पिटल आ रही है हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम हो ही रही है। आपको नहीं लगता हमें उनका कुछ ना कुछ करना चाहिए? हाँ, मुझे भी यही लगता है। हाँ, मुझे भी। सर, आप टैंट्रम झाड़ना बंद करके कोई ढंग का फैसला लेंगे प्लीज? जब तक पता नहीं चलता कि हुआ क्या है तब तक उसकी क्लासेस रोक देते हैं। सर, तो फिर हम जा सकते हैं? मिस्टर मून से कहना है कि मुझे उससे बात करनी है। वो आज नहीं आया है। उसे फोन करके कहा घर पर कुछ प्रॉब्लम है। ओह, ऐसा क्या? जीसू के रेस्टोरेंट का काम छोड़ क्यों नहीं देते हो तुम? हाँ, अब जब से यहाँ आए हैं तुम कितने सारे काम कर रहे हो, है ना? हॉस्पिटल में पेंटिंग बनाना और जीसू के रेस्टोरेंट में ड्राइंग्स बनाना, और अब मिस को का काम भी करोगे तो बहुत बिजी हो जाओगे तुम। पता है ना, अब बिजी होना बहुत अच्छी बात है। हाँ, अच्छी बात तो है, लेकिन तुम बीमार पड़ सकते हो। तुम्हारा शरीर दर्द करने लगेगा। कुत्ते की तरह? क्या तुम बीमार होने पर रात में कुत्ते की तरह रोते हो? मैं कभी नहीं रोता, पर तुम सत्ते में कुत्ते जैसे रोते हो। हेलो, क्या मैं रोता हूँ? अजीब बात, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ और अब मैं ज्यादा काम नहीं करता, इसलिए मैं एकदम ठीक हूँ। तुम रोते हो क्योंकि तुम उदास होते हो। शरीर झूठ नहीं बोलता, ये तकलीफ होने पर रोता है, पर दिल झूठ बोलता है, ये तकलीफ में भी चुप रहता है। और फिर ये सोते वक्त तुम्हें रात भर कुत्ते की तरह रुलाता है। ये बुक बहुत पसंद है। हाँ, The Cheerful Dog by Miss Ho Moon Young, राइटर
जरा खराब है। क्या कहा तुमने? समय खराब से क्या मतलब है तुम्हारा? हा? उससे आखिर हुआ क्या है? मुझे साफ साफ कोई बात क्यों नहीं बताते हो तुम? हा? तो मेरा फोन नहीं उठा रही, मुझे घबराहट हो रही है। मैं सारी रात मैं उसे कहूंगा कि वो तुम्हें कॉल करे। अब मुझे जाना होगा। स्लीप पैरलिसिस से सोने लगा, पर कब से बताओ ये सब फिर से कब शुरू हुआ? हाँ चलो किसने छोड़ा?